आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ 10 देसी मुर्गी पालन करके लाखों रुपए की कमाई कैसे कर सकते हैं उसके बारे में। तो प्लीज आप लोग यह वीडियो लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखिए साथियों, अगर आप लोग मात्र 10 देसी मुर्गी पालन करके ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, अपने नज़दीकी मार्केट में से 10 मुर्गी खरीदना है। आप लोगों को क्या करना है, 8 फीमेल मुर्गी खरीदना है और 2 मेल मुर्गा खरीदना है। देखिए यह जो मुर्गियां हैं यह आप लोगों को नज़दीकी मार्केट से भी खरीद सकते हैं या आप लोगों को नज़दीकी में जो गांव है वहां से आप भी खरीद सकते हैं, या आप लोगों के आसपास कोई मुर्गी बेचता हो तो वहां से भी आप लोग खरीद सकते हैं। अगर आप लोग मुर्गियां मार्केट से खरीदते हैं तो उस समय आप लोगों को बहुत ही सावधान होना है कि क्योंकि बहुत सारे जो व्यापारी होते हैं वो क्या होता है, जो बीमार मुर्गियां होती हैं वो भी बेचने के लिए लाते हैं। या आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से देखना है कि उन मुर्गियों में कोई बीमारी तो नहीं है। अगर वो मुर्गियां संपूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तभी उन मुर्गियों को आप लोग खरीदना है। साथ ही आप लोगों को मुर्गियां खरीदने हैं, वो मुर्गी ऐसा होना चाहिए ताकि कुछ दिन पालने के बाद वो मुर्गियां अंडे देना चालू कर दें और देसी मुर्गियां जो हैं वो खुद खुड़क होकर चूजे निकालती हैं। इसलिए आप लोगों को बड़ी ही आसानी से देसी मुर्गी के चूजों को एक अच्छा कमाई कर सकते हैं। साथियों जब आप लोग 10 मुर्गियों को खरीद के लाएंगे तो उन मुर्गियों को आप लोग घर को बाहर छोड़ देना है और वो मुर्गियां बाहर का चारा खुद निकाल कर खाएंगी और सुबह के समय और शाम के समय उन मुर्गियों को घर का जो भी अनाज होता है वो खाने के लिए देना है। और इसके अलावा आप लोगों को घर में अगर कोई वेस्ट खाना होता है तो उसे खाने के लिए दे देना है। देखिए यही एक बात यह होता है कि देसी मुर्गियां जो हैं वो बाहर जितना भी घूमकर चारा निकाल लेती हैं वो भी सुबह के समय में और शाम के समय में उनको चारा चाहिए होता है। इसलिए आप लोगों के घर में जो भी वेस्ट खाना होता है उन्हें आप लोग दे सकते हैं और उनके लिए आप अपने घर में दाना भी बना सकते हैं। आप लोगों के घर में जो भी अनाज होता है जैसे कि धान चावल मक्का बाजरा, इस तरीके से ये चीज़ें उन्हें खाने के लिए दे सकते हैं और कुछ दिन पालने के बाद मुर्गियां अंडा देना चालू कर देती हैं और 8 मुर्गियों में आप लोगों को 8 ही अंडे नहीं मिलेंगे। जो 8 मुर्गियां होती हैं वो अलग अलग समय में अंडे देंगे, एक ही समय में सभी मुर्गियां अंडे पे नहीं आती हैं। साथियों आप लोग जो भी मुर्गियां खरीद लाएंगे वो मुर्गियां कितने अंडे देंगी वो इस बात पे निर्भर करता है कि उन मुर्गियों को कितना दिन हुआ है। मतलब उन मुर्गियों ने अगर पहली बार अंडा देना चालू किया तो पहली अवस्था में वो ज़्यादा अंडे नहीं देती है। पहली अवस्था में एक मुर्गी लगभग 8 से 10 अंडे देती है। अगर उन मुर्गियों ने पहले भी अंडा दिया तो वो मुर्गी अगर पुरानी है तो वो मुर्गियाँ ज़्यादा अंडे दे सकती हैं। दूसरी या तीसरी बार में लगभग 12 से 15 अंडा भी दे सकती है। और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ये जो 8 देसी मुर्गियाँ आप लोग खरीद के लाएंगे वो एक ही समय में अंडा नहीं देंगे, अलग अलग समय में अंडा देंगे। और फिर मान लेते हैं आप लोगों ने जो भी मुर्गियाँ खरीद के लाए हैं बिल्कुल नई हैं, मतलब एक बार भी अंडे नहीं दिए हैं उन मुर्गियों आप लोगों ने खरीद के जब लाया उसके बाद उन मुर्गियों ने अंडा देना चालू किया और एक मुर्गी ने अगर आपको 10 अंडे मिलते हैं तो इस हिसाब से 8 मुर्गियों से आपको 80 अंडे मिलेंगे। इन 80 अंडों पर अगर वो मुर्गियां खुड़क बैठती हैं तो अलग अलग समय में मुर्गियां खुड़क पर बैठेंगी, मुर्गियां अलग अलग समय में अंडे देंगी तो अलग अलग समय में मुर्गियां अंडों से बच्चे निकालेंगी। इन 80 अंडों से
भी अगर अलग अलग समय कुल मिलकर 70 चूजे भी निकलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारी प्योर देसी मुर्गियाँ यानी कि 80 अंडे रखेंगी, 80 अंडे से कम 70 चूजे भी निकलते हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, जो भी मुर्गियाँ चूजे निकालेंगी उन चूजों को पहली अवस्था में चावल का कनकी या मक्का का जो दलिया होता है वो खाने के लिए देना है, और नहीं तो आप लोग देसी मुर्गियों के लिए जो स्टार्टर फीड आता है उन्हें भी आप लोग खिला सकते हैं, यानी कि वो भी आप लोग दे सकते हैं। देखिए साथियों, अगर आप लोग स्टार्टर फीड खरीदते हैं तो आप लोगों को यह देखना है कि वो भी बहुत बारीक होना चाहिए, नहीं तो चूजे अच्छे से खा नहीं पाएंगे, इसलिए आप लोगों को उस तरीके का दाना ही उन्हें खिलाना है ताकि चूजों को खाने में कोई दिक्कत ना हो। साथियों, देसी मुर्गियाँ जब चूजे निकालती हैं तो वह चूजे खुद बाहर ले जाती है और बाहर ले जाकर चारा खिलाती है, और इसी तरीके से वो अपने चूजों को खुद बड़ा करती है। फिर भी आप लोगों के बीच में उन्हें देखते रहना, और मान लेते हैं 70 चूजे में से बड़े होकर 10 मर भी जाते हैं तो आप लोगों के पास 60 मुर्गियां बचेंगी, यानी कि 60 मुर्गियों की चूजे बचेंगे। उसके साथ साथ पहले आप लोगों को कितनी मुर्गियां खरीदा था, 10, तो आप लोगों के पास कुल मिलाकर मुर्गियों की संख्या हो गई 70। तो पहली अवस्था में 10 मुर्गियों को खरीदा था, कुछ महीने के बाद आप लोगों के पास मुर्गियों की संख्या 70 हो जाती है। साथियों, अगर आप लोगों की संख्या और बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप लोग कुछ लोग बड़े पैमाने पर मुर्गी पालन करना चाहते हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, 70 मुर्गियों में अगर मुर्गियों का संख्या ज़्यादा है तो मुर्गियों को अंडे उत्पादन के लिए रख लेना है, और मुर्गियों के साथ साथ कुछ मुर्गी भी रखना है। 5 मुर्गी के साथ आप लोगों को 1 मुर्गा रखना है। अगर आप लोग 50 मुर्गियों के अंडे के उत्पादन के लिए रखते हैं तो 50 मुर्गियों के साथ 10 मुर्गा रखना है। 50 मुर्गियों में से एक दिन में आपको लगभग 30 से 35 अंडे आसानी से मिल जाएंगे। फिर भी आपको एक दिन में आप लोगों को 30 अंडा मिलता है तो 10 दिन में मुर्गियों के अंडों का लगभग संख्या 300 हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, एक इनक्यूबेटर मशीन लेना है, लगभग 300 से 500 कैपेसिटी का एक इनक्यूबेटर मशीन लेना है, और वहाँ उन अंडों को डाल देना है। और देसी मुर्गियों के अंडों अगर आप लोग इनक्यूबेटर मशीन में डालते हैं तो लगभग 18 से 20 दिन के अंदर चूजे निकलना शुरू हो जाते हैं। जब इनक्यूबेटर मशीन से चूजे निकल आएंगे तो आप उन चूजों को आप लोग सेल भी कर सकते हैं, नहीं तो उन चूजों की ब्रूडिंग करके आप लोग रख सकते हैं और उन्हें बड़े करके सेल कर सकते हैं, यानी कि बेच सकते हैं। साथियों, अगर आप लोगों के पास इनक्यूबेटर मशीन खरीदने के लिए पैसा नहीं है तो पहले अवस्था में आप लोगों को क्या करना है, जितनी भी मुर्गियां आप लोगों के पास हैं उन मुर्गियों को सेल कर देना है। मतलब पहले अवस्था में आप लोग जो 10 मुर्गियां खरीद के लाएंगे और वह मुर्गियां जब अंडों पर बैठकर चूजे निकालेंगी और उन चूजों को बड़ा करने के बाद आप लोगों को उन मुर्गियों को सेल कर देना है, और यह प्रोसेस आप लोगों को तब तक करना है जब तक आप लोगों के पास इनक्यूबेटर मशीन खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा नहीं हो जाता। और जब तक आप लोगों के पास इनक्यूबेटर मशीन खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा नहीं होता, उसके बाद आप लोगों को इनक्यूबेटर मशीन खरीदना है, और उसके बाद वो मुर्गियां जब चूजे निकालें तो उन चूजों को सेल नहीं करना है, बहुत बारीक होना चाहिए, नहीं तो चूजे अच्छे से खा नहीं पाएंगे, इसलिए आप लोगों को उस तरीके का दाना ही उन्हें खिलाना है ताकि चूजों को खाने में कोई दिक्कत ना हो। साथियों, देसी मुर्गियां जब चूजे निकालती हैं तो वह चूजे खुद बाहर ले जाती है और बाहर ले जाकर चारा खिलाती है, और इसी तरीके से वो अपने चूजों को खुद बड़ा करती है। फिर भी आप लोगों के बीच में उन्हें देखते रहना, और मान लेते हैं 70 चूजे में से बड़े होकर 10 मर भी जाते हैं तो आप लोगों के पास 60 मुर्गियां बचेंगी, यानी कि 60 मुर्गियों की चूजे बचेंगे। उसके साथ साथ पहले आप लोगों को कितनी मुर्गियां खरीदा था, 10, तो आप लोगों के पास कुल मिलाकर मुर्गियों की संख्या हो गई 70। एक इनक्यूबेटर मशीन लेना है और वहाँ उन अंडे देंगे, उन अंडों को सेल करने की वजह इनक्यूबेटर मशीन में डालना है। या कोई
भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है तो उस बीमारी को किस तरीके से ठीक किया जाता है, ये सभी बातें आप लोगों को अच्छे से सीखना है और उसके साथ साथ मार्केटिंग के बारे में।